गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नाइन्थ क्लास। इन दिस कंटेंट वी आर स्टार्टिंग आवर ज्योग्राफी सेक्शन चैप्टर नंबर वन। जैसे कि मैंने आपके सामने सारा बोल के लिखा हुआ है, जो भी आपके चैप्टर में है उसी को डिटेल में देख रहे हैं। हमें चैप्टर वन जो है उसका नाम है विज्ञान इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, जैसे सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो इंडिया जो कि सिविलाइजेशन जिससे बिलोंग करता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सबसे एंशियंट टाइम की सिविलाइजेशन है। क्योंकि आपके जो चैप्टर जब स्टार्ट होगा फर्स्ट कंटेंट इसी से क्रिएट हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सभ्यता थी, और उस सभ्यता से लेके आज तक हम आज जी रहे और जीते हुए इसी का एक प्रमाण है। तो जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाते तो आगे बढ़ाने के जो आपको दिया गया, जैसे नाम से आपको दिख रहा है इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो सबसे पहले जो कंटेंट आपके यहाँ पे बोर्ड पे जो दिया गया है वो लोकेशन है कि इंडिया की। आज हम लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया एक्चुअल में मैप पे कहाँ लोकेट हो रहा है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें लैटिट्यूड और लैटिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने क्लास में पहले से पढ़ रखा है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है लैटिट्यूड क्या होता है। तो ये जो वेस्ट से ईस्ट तक जो आपकी जो लाइनें दिखाई दे रही हैं इनको लैटिट्यूड कहा गया है, और नॉर्थ से साउथ तक की जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं लॉन्गिट्यूड कहा गया। सो दीज ऑल आर द इमेजिनरी लाइन विच आर लोकेटेड ऑन मैप एंड ग्लोब। ओके, तो इनको अगर हम बात करें तो इन सभी के ऊपर ही हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री का लोकेशन इन्हीं की हेल्प से लोकेट किया जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है लैटिट्यूड 8 degree 4 minute नॉर्थ टू 37 degree 6 minute नॉर्थ। तो नॉर्थ की अगर बात करें तो ये नॉर्थ वाला साइड हो गया, ये साउथ वाला साइड हो गया, ये वेस्ट वाला साइड हो गया, और ये ईस्ट वाला साइड हो गया। और अगर हम जब बात कर रहे हैं तो इंडिया की जो कंडीशन पे, तो इंडिया की कंडीशन आपकी जो आ रही है वो आ रही है इधर वाली। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो मैप है, इस मैप की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका इंडिया की लोकेशन। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड की बात करते हैं। सबसे पहले आपने जो लैटिट्यूड की बात की, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेटर, जो कि 0 degree से मैंने आपको साइन किया हुआ है, 0 degree से आपको मैंने यहाँ पे बना रखा है। ओके, उसके ऊपर थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी लोकेशन जो आ रही है 8.8 degree 4 minute, तो थोड़ा सा ऊपर से मैंने एक लाइन यहाँ पे बना दी इमेजिनरी लाइन। इसको आपने लोकेट करना होता है, इसको आपने जो मार्क दिया है या इसका जो मेजरमेंट है वो 8 degree 4 minute है, जो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है, और उसके बाद में 37 degree 6 minute जो 23rd and a half होती है, 23rd degree 30 minutes की जो आपका जो मेजरमेंट है, जिसको आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर हो गया 37 degree 6 minute नॉर्थ, ये वाली नॉर्थ वाली साइड में हो गया। तो यहाँ पे दूसरी लाइन बना दी मैंने जो इसके बीच में इंडिया की लोकेशन है। चलो, ये तो आपने बात कर दी लैटिट्यूड की, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड की अगर बात की तो लॉन्गिट्यूड आपका कहाँ पे आ रहा है, तो लॉन्गिट्यूड आपका आ रहा है जो प्राइम मेरिडियन है उस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाली डायरेक्शन में। इसको आपने इक्वेटर बोला है, इसको आपने बोला प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाली डायरेक्शन में आपका इंडिया की लोकेशन है। चलो ठीक है, लॉन्गिट्यूड की अगर बात की तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ये तो 0 degree हो गया, इसको वापस लॉकेट कर देते ये लोग, ये तो 0 degree हो गया। तो 0 degree से हम इधर की ओर में आगे बढ़ेंगे, तो 0 degree से आगे बढ़ेंगे कौन सा, 68 degree 7 minute की अगर बात करें, यहाँ से 0 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे 68 degree 7 minute यहाँ से अपना इंडिया स्टार्ट होता है, और 97 degree 25 minutes ये 97 degree 25 minute ईस्ट में जो है आपकी सारी जो कंडीशन है वो इंडिया को लोकेट करता है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बनाया हुआ है, ग्रिड बनाया है, इसके बीच में आपकी इंडिया की लोकेशन, तो दैट इज द लोकेशन ऑफ योर इंडिया ऑन द मैप ऑन द ग्लोब। ठीक है, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं आपके बुक में, आपके एड्रेस पे, जहाँ पे भी आप शो कर। तो ये है इंडिया की लोकेशन। चलो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बात करते हैं कि इंडिया की लोकेशन के साथ साथ में इंडिया की लैंडमार्क कितनी है, इंडिया की लैंडमार्क कहाँ है, लैंडमार्क की अगर बात करें तो ये जो इंडिया का जो मैंने छोटा सा लेआउट बनाया हुआ है, इसके अंदर कितनी जमीन है, इसके अंदर कितनी बाउंड्री, इसके अंदर कितना लैंड एरिया है, उसकी अगर बात करें तो इसका मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, इसकी पूरी जो जमीन है, पूरा जो लैंडमार्क है 3.28 million square kilometer। इसकी जो लैंडमार्क आ रही है आपके सामने वो आ रही है 3.28 million square kilometer पूरे इंडिया की लैंडमार्क आ रही है। और एक और चीज मैंने यहाँ पे जो आपको मैंने दिख रही होगी बोर्ड पे,
जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो मेंशन क्या किया कि जो वर्ल्ड में जितनी भी जो कंट्रीज है उन कंट्रीज में जितना भी जो उनका लैंड मास है उसका अगर टोटल परसेंटेज है, तो उस टोटल परसेंटेज में 2.4% ये कवर करता है इंडिया का लैंड मास। समझ आया? वापस से बता दूं कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो पूरा इंडिया का जो लैंड मास है, ये जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, इसी का अगर पूरे इंडिया की लैंड मास को काउंट करने के बाद पूरे वर्ल्ड की लैंड मास को काउंट करें, तो उसमें 2.4% इंडिया के द्वारा कवर किया गया। ये हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लेआउट बनाया हुआ इंडिया का, इसको क्यों बनाया उसको मैं अभी बताता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले कि इंडिया का जब लैंड मास की आप बात कर रहे हैं, तो इंडिया की लैंड मास की बात करें तो उसको दो चीजों में आपने डिवाइड किया। एक तो कोस्टलाइन आपने डिवाइड कर दिया, एक कोस्टलाइन डिवाइड करने के साथ साथ में इसको लैंड मास में डिवाइड कर दिया। कोस्टलाइन से मतलब क्या हो गया, जो साउथ वाला जो पार्ट है ये कनेक्टेड किससे, ये सारा साउथ वाला जो पार्ट है ये कनेक्टेड है वाटर से, और वाटर से कनेक्ट होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे ये सारी जो बाउंड्री बनी है पानी की लाइन बनी है, इसलिए इसको कोस्ट लाइन बोला गया। चलो ठीक है, अब ये जो कोस्ट लाइन वाला जो एरिया है ये कितना कवर होता है, यहाँ पे मैंने लिखा कोस्ट लाइन एरिया है वो 7,516.6 किलोमीटर, यहाँ पे इसका कोस्ट लाइन है। इधर वाला एरिया जो सारा समुद्र के किनारे पे है उसका जो पूरा टोटल कोस्ट लाइन बात करें तो उसका एरिया आ रहा है आपके पास में 7,516.6 किलोमीटर ये आ रहा है। चलो ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया की अगर बात करें, ये आता है आपका लैंड मास एरिया। तो इस लैंड मास के एरिया की बात करें, लैंड बाउंड्री की अगर बात करें, तो हमारे यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है 15,200 किलोमीटर लैंड मास एरिया है जो कि आपकी बाउंड्री से, जो कि दूसरे देशों की या जितने जो नेबरिंग कंट्री है उनकी एरिया को टच करता है या उनके एरिया से कनेक्टेड है, उसका जो लेंथ है आपके यहाँ पे 15,200 किलोमीटर इसके लैंड मास एरिया कनेक्टेड है। चलो ठीक है, आगे से बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें एक वर्टिकल लाइन बनाई हुई, तो वर्टिकल लाइन बनाने के पीछे जो रीजन था वो क्या था, वो वर्टिकल लाइन बनाने के पीछे जो रीजन है कि ये वाला जो लास्ट वाली जो बॉर्डर है ये अरुणाचल प्रदेश वाली बॉर्डर है, और इधर वाली जो लास्ट बॉर्डर है ये गुजरात वाली लास्ट बॉर्डर है। तो इन दोनों के बीच में अगर टाइम ट्रेवलिंग करें तो इन दोनों में टू हार्स का गैप है, टू हार्स टू रीच अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, कि यहाँ से हम यहाँ पे जाए तो हमें टू हार्स का टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि सन जब राइज अप होता है तो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में आता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में आने के बाद यहाँ पे उसकी सबसे पहले सनसाइन होती है, उसके बाद में धीरे धीरे जितनी भी जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्रॉस करते हुए यहाँ तक बढ़ते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम होता है वो ट्रैवल करने का, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम मेजरमेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया और इंडिया से बात की यूएसए, इन दोनों के टाइम की अगर मेंशन करें तो इन दोनों में कितना कंपैरिजन है या इन दोनों में कितना गैप है, तो 11 हार्स का गैप है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ के और यहाँ के टाइम में कितना गैप है, तो 2 हार्स का गैप है यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि ये सारी आपकी चीजें हो गई आपके, अभी मैंने यहाँ पे और कुछ भी बनाया हुआ है जो मैं आपको बता दूं। जब सबसे पहले कोस्ट लाइन जो देखा, तो कोस्ट लाइन में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, कोस्ट लाइन में आपके कौन कौन से ओशियन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन हो गई ये साउथ हो गई, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, इधर वाला ईस्ट हो गया, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट हो गई। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साउथ ईस्ट की, जो साउथ ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ओके, वेस्ट और साउथ वाली डायरेक्शन है, इसमें आपको अरेबियन सी दिखेगा, और नीचे वाली जो साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में आपको इंडियन ओशन दिखेगा, और इस अरेबियन सी में ही आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जो ये मैप है, इस मैप पे यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, तो वो तो इक्वेटर से डिवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद में आप हॉरिजॉन्टल आपको इसको डिवाइड करना होता है तो प्राइम मेरिडियन से लोकेट करते हैं, प्राइम मेरिडियन से आप इसको क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका प्राइम मेरिडियन जो कि आपके एक टाइम को स्टैंडर्डाइज करता है, टाइम को जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइडेशन करता है, वो प्राइम मेरिडियन होता है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन कहाँ है, तो इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो यहाँ पे है, जो यूपी से क्रॉस होता हुआ निकलता है, और यूपी से क्रॉस होता हुआ निकलता है, तो यूपी में एक्चुअल में कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यूपी में मिर्जापुर नाम की कोई जगह है, वहाँ पे आपका प्राइम मेरिडियन क्रॉस होता है। वो एक्चुअल वैल्यू क्या है उस मेजरमेंट की, या जो प्राइम वैल्यू है या प्राइम मेरिडियन की जो
इमेजिनरी लाइन है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है 18 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 18 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपका इंडिया का प्राइम मेरिडियन जहाँ से आपको डायरेक्ट का स्टैंडर्डाइज किया गया है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया। उसके बाद में जैसे जैसे आप चैप्टर को आगे बढ़ते हैं, तो चैप्टर के आगे बढ़ते हैं तो आप इस चैप्टर में कई, जैसे चैप्टर में आपके लिए कई लिखा है डू यू नो, तो डू यू नो को अच्छे से आप रिमेंबर कर लेना। डू यू नो में आपकी कई चीजें ऐसी दी गई है कि 2004 एक सुनामी आई थी, तो सुनामी आने के बाद जो आपका जुरेस्ट साइड में जो इंद्रा पॉइंट है वो मर्ज हो गया था ओशियन में, तो इस तरह की कई चीजें उसमें आपको दिखाई गई है, तो वो सारी सारी चीजें आप नोट कर लेना और उसको अच्छे से देख लेना, जिससे कि आपको जो इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज है, जो कब मर्ज हुई, कब सुनामी आया, कितना आपकी बाउंड्री है, कौन कौन सा कंट्री इससे कनेक्टेड है, इक्वेटर कहाँ से गुजर रही है, सॉरी इक्वेटर कहाँ से नहीं गुजर रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से गुजर रही है, 8 स्टेट से गुजर रही है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे उन सारी चीजों में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जो लेआउट बनाया है इंडिया का, इस इंडिया के लेआउट बनाने के साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि जब हम लोकेशन की बात करें, अभी तो तक साइज हो गया, साइज कहाँ पे है, कितनी इसकी लैंडमार्क है, कितना इसकी बाउंड्री है, कितना कोस्ट लाइन है, कितनी कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे है, तो आप बात करते हैं कि इंडिया के लोकेशन में और लोकेशन के साथ साथ में कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे है और कौन कौन से आइलैंड से कनेक्टेड है, कौन कौन सी चीज यहाँ पे इफेक्ट करती है, वो सारी सारी चीजें आप उसको देख रहे हैं। आगे देखते हैं इस मैप की, तो जैसे ये मैप मैंने यहाँ पे बनाया या इंडिया का जो लेआउट बनाया, तो इस लेआउट को वापस से हम स्टार्ट करते हैं साउथ की साइड से। तो साउथ की साइड से जब स्टार्ट करें तो साउथ की साइड में सबसे पहले आपने साउथ में आपको मैंने अभी बताया था इंडियन ओशियन है, साउथ वेस्ट में जो आपके आ रहा है अरेबियन ओशियन है और इसके साथ साथ में अरेबियन सी है और इधर आ रहा है आपका बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया और श्रीलंका इसके बीच में एक छोटा सा गैप है और वहां पे ओशियन है और इन दोनों के बीच में जो गैप है या इन दोनों के बीच में जो फार एस है या इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 32 किलोमीटर की है। 32 किलोमीटर इंडिया से श्रीलंका पहुंचने का जो टाइम है या उनकी जो ड्यूरेशन है या उनका जो बीच की जो लेंथ है या फॉरेस्ट है वो है 32 किलोमीटर और इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो होता है पर्क स्ट्रेट के द्वारा। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट बनी हुई है वो है पर्क स्ट्रेट। ठीक है, साथ साथ आगे बात करें जो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और उसके साथ साथ आपको मालदीव भी आपको वहां पे जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर बात करें ये वाली जो डायरेक्शन है कौन सी है, ये ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में आपको कौन कौन सी कंट्री दिखाई देगी, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपको बांग्लादेश दिखेगा, म्यांमार दिखेगा। म्यांमार की अगर बात करें तो इंडिया से म्यांमार भी गल्फ से जुड़ा हुआ है, जिसको गल्फ ऑफ म्यांमार बोला गया, म्यांमार की खाड़ी बोली गई, उस खाड़ी से ये म्यांमार इंडिया से अटैच किया है। ओके, और अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे मैंने जितने भी जो नेम्स लिखे हैं वो क्या थे, वो ये सारे सारे नेम है जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उन नेबरिंग कंट्री के बारे में बताया, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, दीज ऑल आर द कंट्री ऑफ नेबरिंग कंट्री। अगर हम बात करें कि सारी सारी जो कंट्री है हमारी नेबरिंग कंट्री है, चलो ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं, ये तो डेक्कन प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू आपके यहाँ पे है और यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट हो गया, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये सारी सारी चीजें आपको डिवाइड करती है, ये ही डिवाइड करती है या ये ही आपको एक अलग से फीचर्स देती है, अलग से आइडेंटिटी देती है, जिससे कि आप एशिया के सेंट्रल एशिया से आप इसको डिवाइड कर रहे हो या सेंट्रल एशिया से इंडिया डिवाइड होता है। चलो आगे देखते हैं, आप बात करते हैं इंडिया की लोकेशन क्या है। इंडिया की लोकेशन है एशिया जो कॉन्टिनेंट है उस एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में इंडिया की लोकेशन है, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। जो एशिया है पूरा पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट के साउथ में जो कंट्री है वो इंडिया है, इसके साउथ में एशिया की जो कि एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, उसके बाद की अगर बात करें वेस्ट साइड में आपकी यहाँ पे यूरोप है, अफ्रीका है और ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ये इसके यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे ये सारी सारी लोकेशन है। और हम बात करें कि इसके तीनों ओर, इसके तीनों ओर जो ओशियंस हैं, सीज हैं या बे ऑफ बंगाल है, इसकी हेल्प से आप दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं बाय द रूट ऑफ वाटरवेज। और इसका एक एग्जांपल जैसे आपकी बुक में दिया गया है कि जैसे आपने जब रामायण पढ़ी है
तो रामायण में भी जो रामचरित मानस है उसमें भी आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल आया कि आप जब दूसरे देश में जा रहे हैं जैसे श्रीलंका और इंडिया की अगर बात करें तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी बहुत पुराना रिलेशन है। वो रिलेशन क्या था कि हमारे यहाँ पे राम जी सीता को लेने गए थे, वो भी इसी से गए थे, वो श्रीलंका के पास में गए थे और ये जो ओशियन है इसको क्रॉस करके ये जो चीज है इनको क्रॉस करके वो वहाँ पे गए थे और उसके बाद में सीता लेके आए। तो इसका एग्जाम्पल आपको कह सकें कि हमारे रामचरितमानस या रामायण में भी इसका दिया हुआ है। अनदर थिंग इज दैट कि हमारे कंट्री के जो रिलेशन है वो एंसिएंट टाइम से दूसरी कंट्रीज से भी जुड़े हुए हैं। एंसिएंट टाइम से अगर बात करें तो जितने भी जो हमारे यहाँ पे जो फोल्डर आए जिसपे अगर हम बात करें मुगल्स आए, टर्कीज आए और पुर्तगीज आए, डचीज आए और इंग्लिश मैन आए, ये सारे सारे जो हमारे यहाँ पे है सारे सारे सी रूट से आए थे। और सी रूट से आने के बाद उन्होंने अपने यहाँ पे एम्पायर किया, एम्पायर करने के बाद उन्होंने जो हमारे यहाँ पे जो कल्चरल चेंज किए, जो फिजिकल चेंज किए या फिर हम बात करें कि पॉलिटिकल में हमारे यहाँ पे जो चेंजेस किए वो सारे सारे हमारे यहाँ देखने को मिले। ठीक है, ये सारा का सारा जो चैप्टर है ये इंडिया की लोकेशन के ऊपर ही डिवाइड किया है। जैसे आप जब एड्रेस लेके आओ तो एड्रेस लेने के बाद में आपको इंडिया के बारे में बता दूंगा कि इंडिया कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका लैंडमार्क क्या है, और लैंडमार्क होने के साथ साथ उसको कौन कौन सी कंट्री का है, कौन कौन से स्टेट्स है, कहाँ कहाँ पे जुड़े हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर से गुजरी है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जैसे यूपी से गुजरा हुआ है, और जैसे हम बात करेंगे हमारे यहाँ राजस्थान गुजरात और ये मेघालय त्रिपुरा इधर से ही गुजरते हुए ऐसे एक स्टेट से वो गुजरता है, तो वो सारी सारी चीज़ें आपको चैप्टर में जैसे डिटेल में पढ़ोगे तो वो सारी सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में जो आपने देखा है वो मैं आपको वापस छोटा सा हल्का सा रिवाइज करवा दूँ। इसमें सबसे पहले आपने लोकेशन देखी है, लोकेशन में क्या था, लोकेशन में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से डिवाइड किया गया, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया गया उसके बारे में आपको यहाँ पर पता किया कि दैट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। ओके, अनदर वन, जब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल लैंडमास ऑफ आवर इंडिया सो दैट इज 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज द टोटल लैंडमास ऑफ आवर इंडिया एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल लैंडमास एरिया कवर्ड इन ज्योग्राफिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल लैंडमार्क इन टोटल वर्ल्ड, सो उसका 2.4% हमारे यहाँ पे आ गया। और ये हमारे इंडिया की मैंने एक छोटा सा लेआउट बनाया था जिसमें आपको लैंडमार्क बताया था और लैंडमार्क के बाद में मैंने कोस्ट लाइन बताया था और ये सारी सारी चीज़ें आपके यहाँ पे होगी। प्राइम मेरिडियन भी इसमें मैंने आपको लोकेट कर दिया था, लोकेट करने के साथ साथ में इंडिया के बारे में सारी 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 जो फीचर्स है वो मैंने आपको बता दी थी। ये आपका यहाँ फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है जिसमें मैंने सारी सारी जो डिटेल्स हैं आपको बता दी, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको चैप्टर में जितनी भी जो लाइन्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा, डू यू नो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बारे में जो आपके जो नोट्स हैं वो आपको सेल्फ प्रेजेंट करने होंगे, और किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है वो पूछ लेना जो भी होगा। जैसे आज के लिए इतना ही।